जय माता दी। दोस्तों, इस तरह का हमारा लड्डू तैयार होगा, सूजी और चीनी से, तो ड्राई फ्रूट भी डाले हुए हैं। तो इस तरह का लड्डू, फैंटास्टिक लड्डू तैयार होगा। तो गाइस देख लीजिए, हमारे वीडियो में नए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस चलते हैं, हमारे सारे ड्राई फ्रूट है, देख लीजिए इस तरह से। तो हमें गाइस एक पैन लेना है, उसमें तेल मीठा ऑयल लेके सारे ड्राई फ्रूट को डाल लेना है, और हमें इलायची और गरी को नहीं फ्राई करना है अभी, और बाकी तीनों को हमको फ्राई कर लेना इस तरह से। तो फ्राई करने के बाद, तो गाइस हमारा तेल सूजी के आधा है, तो हम उसमें गरी जो हमारे कटे हुए हैं बारीक, उसमें डाल के तेल में हम एक कटोरी और सूजी को डाल लिए हैं इस तरह से। तो गरी और सूजी को एक साथ भूनना है ब्राउन होने तक, कम से कम 5 से 7 मिनट तक, जब तक ब्राउन कलर का सूजी भुज न जाए और अच्छे तरह के ब्राउन कलर का होना हो जाए। तो इसी तरह से मीडियम आंच में आपको पकाना है गाइस, ताकि आपका सूजी काला न पड़े और अच्छी तरह से पक जाए। तो गाइस हमारा इस तरह से पकने वाला है सूजी ब्राउन कलर का। तो हम गैस को बंद कर दिए हैं गाइस। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, इस तरह से थोड़ा चला ले, वरना और भी काले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से निकाल ले एक बर्तन में। निकालने के बाद गाइस, फिर हम एक पैन में आधा गिलास दूध लेंगे, चीनी के आधा दूध हम लेंगे, आधा। चाहे तो आप इसके जगह पानी भी यूज कर सकते हैं। तो हम सूजी के आधा चीनी ले रहे हैं, चीनी का आधा हमने दूध डाले हैं। तो इसको हमको एक पचना पतला सा चाशनी तैयार करना है, ज़्यादा मोटा नहीं, बस पतला सा चेक करके हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे वीडियो को पूरा रखना। तो हम जो इलायची हमारा था उसका छिलका निकाल के कूट के हम इसको डाल लिए हैं इलायची के पाउडर को। तो हमें इस तरह से एक पतला सा तार लेना है, बिल्कुल पतला सा एक लाइन लेना है तार, इस तरह से चेक कर ले। तो इसको एक लाइन तार लेने के बाद गाइस चाशनी के हम गैस को बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद तुरंत भूजे हुए सूजी को इसमें डाल देंगे, सारे जो हमने भूजी को डाले हैं, बहुत लोग रवा भी बोलते हैं सूजी के, तो उसको भूजे हुए हम सूजी को डाल के इस तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम सारे ड्राई फ्रूट को डाल लेंगे इस तरह से, जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट हैं। तो डालने के बाद थोड़ा हम चला लेंगे इस तरह से। तो जब हल्का सा ठंडा हो जाए बांधने के लायक, जब हाथों से आप सहन कर सके, आपके हाथ में बांध सके, तो ज़्यादा जरे न चाशनी, तो इस तरह से आप हाथों से लेकर अच्छे तरह से अपने जिस तरह का आपका साइज लेना है लड्डू का, उस तरह से आप बांध ले सकते हैं। तो गाइस इस तरह का हमारा लड्डू के साइज है, देख लीजिए। तो सूजी और चीनी के लड्डू इस तरह से डाले हुए हैं, ड्राई फ्रूट से तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से सारे लड्डू को आप हाथों से बांध लीजिए। तो बीच में हम आपको एक ट्रिक दिखाएंगे, क्या ट्रिक है ये सब जानना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देखिए गाइस, कभी कभी आपके लड्डू ठंडा हो जाते हैं तो नहीं बांध पाते, तो इस तरह से थोड़ा पानी या दूध को डाल के इस तरह से नमी कर ले आँच पे रख के गैस पे। तो करने के बाद फिर उसी प्रोसेस पे हो जाएगा आपका लड्डू, तो फिर आप अपने लड्डू को बांध सकते हैं। तो देखिए गाइस, तो हम फिर से जो आपको दिखा रहे हैं, तो इस तरह से फिर लड्डू हम बांध के चेक करके दिखाएंगे। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है, अक्सर ऐसे हो जाते हैं ठंडा होने पर नहीं बांध पाते लड्डू, तो आप सोचते हैं क्या करें क्या करें। तो ये चीज आपको दिखा रहे हैं, तो हम चेक करके आपको लड्डू के दिखा रहे हैं। तो इस तरह से एकदम मुलायम अच्छे तरह से हमारे लड्डू तैयार हैं, सूजी और चीनी के। तो ऐसे वीडियो रखने के लिए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।